हेलो फ्रेंड्स, छवि की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लौकी के पराठे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी आटा लिया है, ये कटोरी। अब मैं लूंगी 1 कटोरी बेसन। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 बॉल बेसन। कद्दूकस की हुई हरी मिर्च, अदरक, कद्दूकस की हुई घिया। घिया को मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो घिया का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 दही, मैंने यहाँ पे फेटी हुई दही ली है 1 कटोरी, दो चम्मच घी, एक चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, कसूरी मेथी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। ये देखिए, हमारा आटा लग के तैयार हो चुका है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोई ली है, बीच में इस तरीके से तेल लगाएंगे और इसे तिकोने आकार में बेलेंगे। इसे दोनों तरफ से सेकेंगे और फिर ऑयल लगा के अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए, जरा जरा सा तेल लगा के सेकेंगे। इसे आप दाल के साथ, रोटी के साथ, चाय के साथ, जैसे आपको पसंद है आप उस तरीके से खा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।